तो देखो भाई, दो क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे, होगी ना स्टार्ट। दो क्वेश्चन इसके हमने कर लिए थे, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज के इस टॉपिक में, यानी कि इस लेक्चर में कोशिश करेंगे हम कि मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जो दो तीन चीजें और बतानी है इस टॉपिक की, वो आज के लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हालांकि फॉर्मूला हमने मीडियन का पहले ही बता दिया था, कोई नया फॉर्मूला मीडियन का और यूज नहीं होना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। इसमें नहीं दे रखा तो इसका भी क्लास इंटरवल हम बना लेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो मीडियन का जो फॉर्मूला था, क्या था मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ और मल्टीप्लाई एच, ठीक है। यानी कि सी एफ जो थी हमारी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, एफ हमारी मीडियन क्लास थी, ठीक है ना, और एच हमारा क्या था, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमारे पास जो है क्लास इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन की हेडिंग है एक बार वो पढ़ लेते हैं हम, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है ना, उसने क्या किया भाई, फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, यानी कि 100 हमारे पास क्या थे, बीमाकर्ता थे, जिनका उसने क्या किया, पॉलिसी एजेंट ने बीमा किया है। और आपको पता होगा कि बीमा जब करते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि क्या होना चाहिए, जिसका बीमा होता है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और 60 साल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी कुछ लिमिट होती है बीमा पॉलिसी की। जैसे अगर मान लिया आप बीमा करवाते हो, अब हाल है, मान लिया 18 के हुए आप, 18 के बाद अगर मान लिया आप 30 तक के हैं, उस एज में हैं, उस एज में जो आप बीमा करवाओगे तो जो उसकी मतलब जो क्लेम होता है ना बाद में, जो हमें डेथ रेट के बाद मिलता है, वो ज़्यादा मिलेगा अगर आप 18 से 30 तक का बीमा करवाते हो तो, ठीक है। जैसे आप 30 प्लस चले जाओगे, जैसे मैंने मान लिया आज मैं 28 साल का हूँ, मैंने अपना एक बीमा करवा लिया एक सिंपल सी किस्त से, SBI से, कि मैं 5,000 रुपये जो है पर ईयर दूंगा SBI को, ठीक है, तो वो मैंने 10 साल तक दिए, उसके बाद 15 साल बाद SBI क्या करेगा, मुझे जो है लगभग 75,000 रुपये यानी कि 75,000 वो मुझे वापस दे देगा, अगर मैं ठीक ठाक रहा, सुरक्षित रहा तो। अगर मान लिया इस अवधि में 15 साल में मेरी डेथ हो जाती है तो 4.5 लाख यानी कि 4,75,000 का क्लेम वो मेरी फैमिली को मिल जाएगा, सिर्फ छोटे से अमाउंट पर। किस अमाउंट पर, एक अमाउंट था मेरे पास जो कि 5,000 रुपये मैंने पर ईयर दिया, कितने साल तक, 10 साल तक, बीमा कहां तक चला, 15 साल तक, ठीक है ना। तो अगर मान लिया इस 15 साल में किसी कारणवश मेरी डेथ होती है तो 4.5 लाख का जो क्लेम है वो फैमिली को मिल जाएगा। अगर मान लिया मैं 30 प्लस का हो गया, एक भी साल मैंने ऊपर चला गया तो 31 का हुआ और मैंने यही पॉलिसी लेनी चाहिए तो जो बाउंडेशन 4.5 लाख की थी ना वो घटके 4.25 पे आ जाएगी। क्यों, जैसे ही आदमी की एज ज्यादा बढ़ती है ना तो उसके डेथ के चांस क्या हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये लिमिट होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। अगर आप में से भी किसी के पेरेंट्स ने भी बीमा करवाना हो तो बता दियो, क्योंकि SBI में बीमा का काम मैं भी करता हूँ, ठीक है, और मैंने अपना खुद का भी बीमा करवा रखा है जिसमें मेरा प्रीमियम जो साल का है वो 1,00,000 रुपये है, ठीक है ना। तो 1,00,000 रुपये जो है मैंने साल में देने हैं और 7 साल तक मैंने ये किस्त दी 1,00,000 की, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 7,00,000 हो गया ना। और ये अवधि कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12 साल तक ही चलता है, फिर बीच के जो 5 साल हैं उसमें मैंने ना कुछ बैंक को देना है ना कुछ लेना है, 12 साल बाद जो है बैंक मेरे को क्या करेगा, उसका डबल यानी कि 7 का जो है 14,00,000 दे देगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश मान लिया मेरी नॉर्मल डेथ होती है, आपको यहाँ पढ़ा रहे हूँ, पढ़ाते पढ़ाते डेथ होगी, तो 10,00,000 का अमाउंट जो है घरवालों को बिना किसी का मतलब ज़्यादा घूमे फिरे मिल जाएगा, सिर्फ एक डेथ रेट देखो उन्होंने दिखाना, डेथ सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर मान लिया किसी कारण मेरी मृत्यु एक्सीडेंटल में होगी तो 20,00,000 का क्लेम जो है मिल जाएगा। अगर मान लिया मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया खुदा ना खास्ता और झगड़े में मेरी डेथ हो गई तो 20,00,000 का क्लेम जिसके कारण मेरी डेथ हुई ना उसकी फैमिली ने देना पड़ेगा, उनकी जेल होगी वो तो अलग से है, लेकिन साथ में 20,00,000 का क्लेम तो मेरी मौत का देना होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को किसी से पंगा लेने में कोई डर नहीं लगता, ठीक है ना। और इसके और क्या फायदे हैं, अगर मान लिया 12 साल के बाद मान लिया ये मैंने जो अमाउंट था मेरा 14,00,000 वो लेना है तो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी लिया ना तो फिर पेंशन नहीं जो मिलते हैं, एक तरह से जो बुढ़ापा पेंशन होती है या रिटायरमेंट के जो बाद मिलती है, तो बैंक क्या करता है पेंशन बांध देता है कि भाई आप 10,000 रुपये पर मंथ जब तक जियोगे तब तक ले सकते हो, और वो आपका जो 14,00,000 रुपये था वो आपका सेफ था, ठीक है ना। मान लिया मैंने पेंशन ले ली 5 साल और मैंने कह दिया कि भाई अब मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है,
मैंने तो अपने बच्चों की शादी करनी है, तो 14 लाख मेरे बैंक में ही पड़े हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, वो मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ। तो कुल मिला के मतलब लाइफ में जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। मेरी बेटी को आपने देखा होगा, छोटी सी है, नाम कितने 4 साल की है, 25 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है उसका, ठीक है। तो जब भी वो 18 की हो जाएगी, 18 साल की होते ही मतलब उसको जो है 5-5 लाख के जो है, जैसे जैसे वो 18 की हुई तो 5 लाख उसके अकाउंट में तब आ जाएंगे, फिर वो 19 की हुई तो 5 लाख तब आ जाएंगे, उसके बाद वो 21 की हुई तो 5 लाख तब आ जाएंगे, और फिर 22 में यानी कि 10 लाख इकट्ठे टोटल 25 लाख उसके इस तरीके से आएंगे। क्योंकि जब बच्चा 18 ईयर का होता है खासकर तभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कॉलेज में जाएगा, हायर क्लासेस में पढ़ेगा तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। अब कल को मान लिया किसी ने MBBS में एडमिशन लेना है तो एकदम तो 50 लाख कहीं से नहीं आएंगे ना, और एक 25-30 लाख का सारा अगर मान लिया अपने पास है वहां से लग जाए तो फिर जो है बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चों के फ्यूचर प्लान जो है पहले से ही सेट करने होते हैं भाई, किसने आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर वो तो उसकी मर्जी है उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कहीं पर भी जाए हम, आपने देखा होगा तन मन और एक वर्ड आता है धन, धन की तो सबसे पहले जरूरत होती है ना, तो इसलिए ठीक है। तो खैर हम मीडियन पे थे और बात बीमा पे आ गई थी, ठीक है। फिर भी अगर मान लिया कोई भी इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बता सकता है। बीमा के जो है करीब 40 के राउंड में प्लान है मेरे पास, सारे के सारे मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, अगर किसी ने लेना हो तो ठीक है बता सकते हैं। ये मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है जो मैं संडे को करता हूँ, 6 दिन तो यहाँ से ऐसे स्कूल में वर्क हो गया, संडे वाले दिन अपना ये बीमा का काम कर लेते हैं। तो साइड बिजनेस छोड़ा, छोटी मोटी 5-10 हज़ार रुपये महीने में आ जाए तो गुना थोड़ी ना कोई। देखो तो क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड में F और मल्टीप्लाई H, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें क्लास इंटरवल दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो ध्यान दीजिए, जो पॉलिसी होल्डर हैं सिर्फ 2 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो कितनी है, 20 से कम है ना, क्योंकि 18 से तो सीधी सी बात बीमा स्टार्ट होना है, तो सीधी सी बात है 2 साल तो है उनके बीच में, तो ये तो कम मिलेंगे ना। और आपने जनरली देखा भी होगा जो बीमा करवाते हैं ना वो या तो बिल्कुल छोटे बच्चे का करवाते हैं या इस एज में बीमा बहुत कम होता है, 15-16 की एज में, ठीक है ना। तो 18 से 20 के बीच में बच्चे हैं ओनली 2, फिर 25 से कम, इसका मतलब ये 20 से 25 तक का डाटा हो गया, ठीक है। उसमें कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो 25 से कम हो गए ना, इनमें ये 20 से कम वाले भी शामिल हो गए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जो ये पॉलिसी होल्डर 100 दे रखे हैं ना टोटल, ये एफ नहीं दे रखा, सीएफ दे रखा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई आपको, क्या दे रखा है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये दे दिया हमें सीएफ, तो कुल मिला के क्या हुआ कि 20 से जो कम है वो तो है 2, 25 से जो कम है वो है 6, इनमें 20 से कम वाले, फिर 30 से कम, इनमें 25 से कम वाले भी हैं, 20 से कम वाले भी हैं। बात आ रही है समझ में। तो जो इसका नया जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, सबसे पहले बनाओगे आप क्लास इंटरवल, क्या बनाओगे, क्लास इंटरवल 18 से 20, क्योंकि 18 से कम वालों का तो बीमा होता ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद एफ, यहां लिखेंगे हम FI, कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, साथ में आप इसको भी लिखते चले CF को भी, कितना है, 2, ठीक है। उसके बाद 20 से 25, भाई 20 से 25, ये 6 के 6 नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि 25 में तो कौन से 18 वाले भी हो गए ना शामिल, 6 में से 2 घटा दो, कितने आ गए, 4, तो यहां पर 6 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कितना, 25 से 30, वैसे 30 से टोटल कम की हम बात करें वो 24 है, लेकिन 24 में से 6 घटा दे तो कितने रह गए, 18, यहाँ कितना है, 24, बोलो नहीं, 24 में से 6 घटाओगे तो 6 घटेंगे, 2 नहीं घटेंगे, ना, ये घटेगा ना, क्योंकि 25 से कम तो ये है, 6 उसी में शामिल हो गया, 2 6 वाले में। उसके बाद 30 से 35, भाई 45 में से 24 घटाओ, कितना रह गया, 21, और यहाँ पर कितना हो गया, 45। उसके बाद 35 से 40, कितना रह गया, 33 रह गया ना, 33, और यहाँ पर कितना आ गया, 78। उसके बाद 40 से 45, कितना हो गया, 11, कितना रह गया, 89, अच्छा कॉम्युलेटिव तो 89 ही होगी, वेरी गुड। उसके बाद 45 to 50, कितना हो गया, 3, यहाँ पर 92। उसके बाद 50 to 55, 6, और यहाँ पर 98। 55 से लेकर 60, 2, और यहाँ पर कितना होगा, 100, ठीक है।
अब अगर मैं एफ आई का सम करूंगा सिग्मा एफ आई, टेस्ट में मोस्टली बच्चों ने आई मेंशन नहीं कर रखा था, वो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आई है मेरे पास 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। और यदि मैं इनका सम करूंगा तो वो कितना आएगा 100, क्योंकि ये पॉलिसी धारक कितने हैं 100 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका क्या मीडियन। भाई मीडियन में सबसे पहले एन, एन होता है सिग्मा एफ आई, आई है हमारा 1 से लेकर 9 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 100। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 50। 50 को हमने ये देखना है कि सी एफ कॉमलिटी फ्रीक्वेंसी में किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, और वो दो नंबर कौन से हैं 45 और 78। दोनों में से हमें कौन सा देखना है बड़ा नंबर, बड़ा नंबर है 78, उसके सामने वाला होता है हमारा एफ, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसमें से छोटा होता है एल, ठीक है ना। जो 78 है उसमें से जो छोटा होता है वो होता है सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। बोलो किन से कौन से में, अच्छा ये वाला, ये कंडीशन इसलिए है, आप बोल रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन गया है कि डिफरेंस जो है सभी का 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पॉलिसी जो धारक थे हमारे पास 18 से नीचे वालों का बीमा नहीं होता ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका ये है कि सर आपने डिफरेंस 2 क्यों नहीं लिया, यही है ना, क्योंकि आपने जो है डिफरेंस उस क्लास इंटरवल का देखो जहां पर हमारी मीडियन क्लास है, उसका मत देखो जो पहले था। बात आ रही है समझ में। अगर इसमें मीडियन भी निकालना होता बाय चांस तो हम इसको इंटरवल को कैसे ट्रीट, किसको मीन भी निकालना, मीडियन में से हाँ हाँ निकालना होता, हाँ तो 18 से 20 वाले का क्या, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मतलब सीधी सी बात है, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सबका सबको डिवाइड करो 2 से डिवाइड करते जाओ, हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत है ही नहीं। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है। या फिर कुल मिला के आप यूं कह दो, अगर आपको मेरी बात सुनो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको 18 मत लो आप, इसको 0 से ले लो, क्योंकि सीधी सी बात है 0 से 20 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो मेरी बात, 0 से 20 हमने ले लिया, ठीक है ना, और 20 हमने ले लिया तो सीधी सी बात है 18 वालों का तो बीमा होता ही नहीं, चाहे फिर हम इसको 18 से 20 लें या 0 से 20 लें, दोनों का ही मेरे ख्याल से आंसर इसका ठीक निकलेगा, ठीक है ना। पूछ रखा है इसने मीन निकालना, नहीं पूछ, एक मिनट रुको भाई, मीडियन एज पूछ रहा क्या, देखो हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, इस डिफरेंस पे, लेकिन अगर मान लिया ऐसा डाटा होगा ना तो शायद वो आपसे मीन पूछेगा नहीं भाई, अगर पूछेगा तो सीधी सी बात है वो एक्स आई वाला केस जो है ना आपको वो पहले ही बना के देगा, फिर एफ आई के आप मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट मेथड वहाँ लगा देना, आप जो है उस फॉर्मूले में मत जाना, फिर अज्यूम्ड मीन में और जो है किस में स्टेप डेविएशन में। बात आ रही है समझ में, ठीक है। बाकी फिर भी अगर मान लिया कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर भाई ये बात। तो देखिए अब 50 आ गया, ये सारी की सारी चीजें आ गई हमारे पास, फॉर्मूले में रखो L, L कितना है बोलो 35, N by 2, N by 2 कितना है 50, माइनस सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, डिवाइड में F 33, मल्टीप्लाई H, बीच का डिफरेंस कितना है 5 का है, तो ये हो गया 35 प्लस में 5 हो गया ना, 5 × 5 25 बाई में 33, कर लोगे सॉल्व इसको, कैलकुलेशन ही आपने करनी है, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हो जाएगा ना, बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन नंबर 4th है तो ऐसा ही बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अब क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंस, पहले वो समझो आप, ठीक है ना, क्या है थोड़ा सा डिफरेंस, हाँ सिर्फ क्या ठीक करना है, इंटरवल, इंटरवल ठीक नहीं है, तो इंटरवल ठीक करने के लिए क्या करते हो, अंदर है नोटबुक ले जाओ, हाँ हाँ चेक होगी, हाँ लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर लिमिट में क्या कर दो 0.5 ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन एक इत्तिफाक देखा आपने, क्या है इसमें, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है हमारे पास 118 से लेकर 126 क्लास इंटरवल, यही है ना भाई, अब बीच का डिफरेंस देखना कितने का है, 8 का है, बीच का डिफरेंस कितने का है 8 का, इसमें से 0.5 हमने घटाया तो कितना हो गया 17.5 हो गया, 117.5 हो गया, और इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, और अब डिफरेंस देखना कितने का हो गया,
117.5 कितने का हो गया यहाँ पर? जीरो। तो कितना रह गया? नौ। तो एक तो बढ़ता है ना, लेकिन देखो साधारण सी बात है, जितना हमने घटाया है उतना ही ऐड भी कर दिया, लेकिन डिफरेंस में फर्क आ रहा है। इसी को गणित कहते हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ, कॉमन बात है। अच्छा, कॉमन बात है। कॉमन क्या बात है इसमें? हाँ, दो भाई सर, दो सौ रुपए ले रहे सर। हाँ हाँ, एक पे एक रुपया लेगा, दूसरा एक रुपया दे दिया सर। हाँ हाँ, तो 9 और 11 होंगे सर, फर्क तो लेकिन जितना लिया था उतना ही दे भी तो दिया ना। तेरे पास 10 रुपए थे, तेरे से मैंने 1 लिया, 9 रह गए, 1 वापस दिया, कितने हो गए वापस? तो फिर यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो कुल मिला के समझ जाना, मतलब एक तरह से ये वो बात होगी कि एक बार 3 फ्रेंड जो हैं, मैंने पहले ही बताया था कि उसने एक बार 3 फ्रेंड अपने एक दोस्त का जन्मदिन था और उसके लिए वो गिफ्ट लेने के लिए गए, और उन्होंने जो है गिफ्ट गैलरी से एक गिफ्ट ले लिया। जो गिफ्ट गैलरी का मालिक था, ओनर था, वो तो नहीं था, लेकिन जैसे काम पर लगा देते हैं ना भाई, जो तनख्वाह पर लगा देते हैं मेरे जैसों को, तो उसको उससे उसने जो है गिफ्ट ले लिया तीनों ने, और उस गिफ्ट की कीमत थी रुपीज कितनी? 60। ठीक है, वो लेकर चले गए। बाद में वो मालिक आया उन्नर, तो उसने कहा कि भाई कुछ सामान भी का है, तो उसने बोला कि भाई 3 दोस्त आए थे, 3 लड़के आए थे, वो अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके गए हैं, और वो जो है 60 रुपए का था। तो उसने कहा कि अरे भाई ये तो तूने गलत बेच दिया, ऐसे तो दुकान का नाम बदनाम हो जाएगा ना, इसकी कीमत तो ओनली 55 रुपीज थी, ठीक है, और आपने गलती से 60 का दे दिया, ये ले 5 रुपए, मतलब ये 5 रुपए ले ले, और सीधी सी बात है उनको क्या कर, वापस दिया। ठीक है, अब उसने सोचा भाई इस 5 रुपए को मैं क्या करूंगा। क्या हो गया भाई? 5 रुपए कहां से आए? बस आप टॉपिक पे ध्यान दो ना। उसने सोचा मेरे जैसे ने, जो कि एक बोला बाला ही था, दुकान पे लग रहा था, उसका गणित इतना तेज नहीं था, उसने सोचा कि 3 बंदों में 5 रुपए मैं कैसे बांटूंगा, अगर उनको एक दो दो करके दूंगा तो 1 रुपया मैंने अपनी तरफ से देना पड़ेगा, एक एक करके दूंगा तो 2 रह जाएंगे। तो उसने सोचा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको ये बोल दूंगा कि भाई जो है ये 55 का नहीं, अब पूरे पूरे तो रुपये वो उनको दे नहीं सकता था, क्योंकि गणित बेचारे का ठीक नहीं था, और 5 में वो बांट भी नहीं सकता था 3 दोस्तों को। तो उसने क्या किया, तीनों दोस्तों को 1-1 रुपया कम 19-19, मतलब 1-1 रुपया दे दिया, तो प्रत्येक को गिफ्ट कितने का पड़ा? 19-19 का पड़ गया ना भाई, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 3 बंदे गए थे, तीनों ने 20-20 रुपये देकर एक गिफ्ट लिया जो कि 60 रुपये का था। मालिक ने बोला ये 55 रुपए का था, 5 रुपए वापस दे के आओ। उसने सोचा कि भाई 5 तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता तीनों में, उसने 1-1 उल्टा दे दिया तीनों को, ठीक है, और 2 रुपए उसने अपनी जेब में डाल लिए कि बता दूंगा भाई कोई दिक्कत नहीं है 19-19। अब प्रत्येक को वो कितने का पड़ गया? 19 का। 19 दिया कितना होता है? 57। 2 मैंने अपनी जेब में डाले हैं, कितने हो गए? 59। वो 60वां रुपया कहाँ गया? ये क्वेश्चन आपने कल सोल्व करके लेके आना है, ठीक है, ठीक है ना भाई। सिंपल सी बात है भाई, बात तो सिंपल है सर, आप कहो बका। वो सर 3 रुपए में तो शरीर में मैंने दे दिया हो गया सर। हाँ, एक एक दे दी सर। हाँ, कौन हो गए सर 2, उसमें दाखिले 60। तो अरे उस वे से क्यों जा रहे हो अब? आप इस वे से जाओ ना। चल, पता है क्या है, यहाँ से प्रूफ ये होता है कि गणित जो है हर एक जगह पे सही साबित नहीं होता। अब मेथड ये क्या गलत है, प्रत्येक को 19-19 का पड़ गया, वो 19 दिया कितना होता है? 57 होता है। 2 रुपए उस आदमी ने अपनी जेब में डाले हैं, जो भी मेरे जैसा था मैंने डाल लिया अपनी जेब में, तो 19 और 2 तो 57 हो गए ना, 60वां रुपया तो नहीं निकल रहा है। हाँ, मतलब 57 और 2 59। बस आवाज नहीं, अब इस क्वेश्चन पे बहस होगी बहुत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो भाई आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल बंद भाई। अब क्वेश्चन पे आइए वापस, घर जाके डिस्कस करना अब इसके बारे में, भूल जाओ कि क्लास में कोई गिफ्ट लिया था। तो 100 कितना हुआ भाई ये? हाँ, तो 117.5 से 126.5 हो गया ना, फिर कितना होगा बोलो? 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, और 162.5 से
171.5 और 171.5 से 180.5। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है ना, ये कुछ पत्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है भाई, तो वो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी होती है, और कितनी दे रखी है, 3 है 5 है 9 है 12 है 5 है 4 है और 2 है। यहां पर निकलेगा सिग्मा एफ आई, क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक बोलो, 1 से 7 तक। ऐड करो भाई 8 और 9 17 17 और 12 आप करोगे तो कितना है 40। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मीडियन का जो फॉर्मूला था, मीडियन इक्वल टू था एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड एफ मल्टीप्लाई एच, यही था ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है एल, एल होती है हमारे पास लोअर लिमिट, लेकिन उससे पहले एन, एन होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 40, और 2/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आ गया 20। सी एफ हमने नहीं निकाला भाई, कॉमलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात है सबसे पहले 3 8 17 29 5 ऐड करो 34 38 और 40, हमारा है 20, किन दो टर्म के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो बड़ा ये है ना, इसके सामने वाला क्या होगा F, ठीक है, इसके सामने वाली क्लास में छोटा क्या होगा L, जस्ट इससे पहले वाला क्या होगा सी एफ, कॉमलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताओ बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 का, तो H कितना हो गया 9। ठीक है ना, ये क्लास इंटरवल भी इसलिए सेम किया, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर इसमें तो क्लास इंटरवल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एल भी तो हमें लेना था ना भाई, और बीच का डिफरेंस भी हमें लेना था, तो सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो कितना हो गया एल, एल है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 145.5 प्लस में एन बाय टू, एन बाय टू किया था तो कितना आया था 20, माइनस में सी एफ कॉमलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, ठीक है ना, बाय में F, F कितना है बोलो 12, और मल्टीप्लाई H वो कितना है 9, और शायद ये कैंसिल किस पे है, 3 पे कैंसिल है भाई, तो 144 यानी कि 1445 लिख दिया, और डिवाइड में 10 लिख दिया भाई, यहां पर कितना रह गया 3 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 9, 3 एकम 3 3 चौके 12, कर लोगे ना सॉल्व इसने, बोलो भाई ये 5 में कैंसिल भी नहीं, वो तो वापस वही आ जाएगा, तो कुल मिला के आप क्या करो, या तो इसको डिवाइड कर दो या इसको इतना ही लिख के ऐड कर लेना, कैलकुलेशन आपने करनी है आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें क्लास इंटरवल में कोई समस्या हो आपको, और जिसमें किसमें भाई फ्रीक्वेंसी में कोई समस्या हो, तो बिल्कुल